अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्कॉलरशिप काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और स्कॉलरशिप की वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा सऊदी स्कॉलरशिप के मुतालिक। जैसा कि आपको पता है कि सऊदी स्कॉलरशिप की जो अनाउंस की जाती है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, उसके भी लास्ट डेट्स हैं। तो मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक डिटेल के साथ आपके साथ वीडियो शेयर कर दूं। अगर अभी तक आपने इसमें अप्लाई नहीं किया हुआ तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपके साथ इसकी तमाम डिटेल्स शेयर करने जा रहा हूँ, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तमाम चीज़ें मैं कोशिश करूँगा आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर लूँ ताकि आप इसमें अप्लाई करने से पहले आपके तमाम कंसेप्ट जो क्लियर हों। सबसे पहले मैंने सऊदी स्कॉलरशिप की जो एडवर्टाइजमेंट है डिटेल्स के साथ वो ओपन की हुई है, आपके सामने स्क्रीन पर शो है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। आपने यहाँ से इसकी मुकम्मल डिटेल्स जो हैं वो डाउनलोड कर लेनी है। इसकी वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद हैं studyinsaudi.moe.gov.sa, ये इनकी वेबसाइट है। यहाँ से अप्लाई का लिंक भी मौजूद है, उसके बाद तमाम इन्फॉर्मेशन भी मौजूद हैं। इसका जो तारफी बैनर है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एजुकेशनल प्रोग्राम इन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, जिसमें डिप्लोमा इन अरेबिया स्टडीज़, अरेबिक स्टडीज़, उसके बाद बैचलर्स डिग्री, मास्टर डिग्री, पीएचडी डिग्री, इन सभी के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट को देखें तो अगर आप डिप्लोमा अरेबिक स्टडीज़ में कर रहे हैं या बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी एज 17 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। अगर आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड, आपको यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें दाखिले के लिए सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़तनामा ज़रूरी होता है, वो भी इसी वेबसाइट के थ्रू जब हम अप्लाई करते हैं तो यहीं पर आपको मिल जाता है। उसके बाद इस स्कॉलरशिप में, स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए आपने पहले सऊदी की किसी भी स्कॉलरशिप को ना लिया हुआ हो तब आप इसमें ले सकते हैं। अगर आपने पहले सऊदी की कोई स्कॉलरशिप हासिल की हुई है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आपने जितने भी सर्टिफिकेट्स और आपके ज़ाती डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आपका CNIC है, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, उन सभी का अथॉरिटीज़ के साथ, अथॉरिटी से अटेस्टेशन लाजमी है, जिसमें आपकी HEC है, उसके बाद आपकी IBCC है। अगर आपके इंटरमीडिएट और मैट्रिक वगैरह के डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आपके IBCC से टेस्ट लाजमी है, बोर्ड से अटेस्टेशन लाजमी होती हैं। इसी तरह आपके जो बैचलर डिग्री वगैरह होती है BS प्रोग्राम की, अगर आप मास्टर में अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपकी HEC से उसकी अटेस्टेशन लाजमी होती है। पाँचवें नंबर पर अगर हम देखें, इसके अंदर आपकी कंडीशन ये होती है कि आपको किसी भी सऊदी की यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से निकाला ना गया हो। उसके बाद लास्ट में आपका मेडिकल एग्ज़ाम जो लिया जाता है, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो लाजमी होता है, आप मेडिकल के अंदर पास होने चाहिए। टाइप्स ऑफ इनरोलमेंट किंगडम सऊदी अरब, एक आपकी फुल स्कॉलरशिप है, दूसरी आपकी पार्शल स्कॉलरशिप है, तीसरी आपकी पेमेंट बेस्ड है यानी सेल्फ फाइनेंस है। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ स्टडी, आपकी अरेबिक फॉर थ्योरी बेस्ड मेजर्स हैं, इंग्लिश फॉर प्रैक्टिकल बेस्ड मेजर्स हैं। इसके बाद मेथड आपका अप्लाई करने का, यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है, यही जो मैंने ओपन की हुई थी, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहीं से आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। 25 टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने तमाम 25 यूनिवर्सिटीज़ के नेम और साथ में उनकी जो वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपने उनको ओपन करना है, अप्लाई करना है, उनके लिंक भी मैंने दे दिए हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको 25 यूनिवर्सिटीज़ का ऊपर नेम मिल जाएगा, नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको वेबसाइट के थ्रू मिल जाएंगी, वहीं से आपने देखना है, लिंक आपको उसमें मिल जाएगा, आपने लिंक के थ्रू उसको खोल लेना है। अगर हम मेजर सब्जेक्ट्स देखें जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं तो नंबर 1 पॉलिटिक्स है, इसकी डिग्री ले सकते हैं, लॉ की, एजुकेशन की, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग एंड नेचुरल साइंसेस, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, शरिया एंड अरबिक और मीडिया, ये मेजर हैं। उसके बाद इसके जो आगे डिटेल्स डिग्रीज हैं वो आपको उनकी वेबसाइट से मिल जाएंगी। उसके बाद आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले आपकी एक्सेप्टेंस है जो आप ऑनलाइन के थ्रू करेंगे, उसके बाद आपका वेलकम ऑन अराइवल है, एकेडमिक स्टडीज़ हैं, इसके बाद आपकी इनरिचमेंट इन नॉलेज एंड वैल्यूज़ हैं, सोशल इंटरेक्शन एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन हैं, तो ये एक प्रोसेस है आपका, ग्रेजुएशन एंड फेयरवेल, उसके बाद आपकी कंटिन्यूइंग एजुकेशन है।
एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग इन सऊदी अरेबिया देखें, आउटस्टैंडिंग एजुकेशन, डाइवर्सिटी, इन्होंने अपनी कुछ चीज़ें दी, इनको आप देख सकते हैं। उसके बाद ये आपको मुकम्मल डिटेल यहाँ पे इसके थ्रू मिल सकती है। इसके बाद हम वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो यहाँ से आपको अप्लाई टू स्टडी नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके लिए आपने अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इसका लिंक मैंने जो अकाउंट क्रिएशन का रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। आपने यहाँ से आईडी के थ्रू, अकामा आईडी के थ्रू या अदर्स डॉक्यूमेंट्स ईमेल के थ्रू आप कर सकते हैं। तो बेहतर है कि आप नेशनल आईडी, आईडी कार्ड के थ्रू अपने आप को रजिस्टर करें जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ हिजरी के अंदर सेलेक्ट करनी है, तो ये आप हिजरी कैलेंडर के थ्रू देख सकते हैं। उसके बाद आपने विजुअल कोड यहाँ पे लिखना है जो यहाँ पे पुट है, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप यहाँ से रिफ्रेश करने के बाद न्यू कोड जनरेट करके यहाँ पर लिखेंगे और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के अंदर आपका ईमेल का प्रोसेस है, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो ये एक आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन का मुकम्मल प्रोसेस है, आपने यहाँ से इसको करना है। इसके अलावा जो फर्दर डिटेल्स हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। टोटल में अगर हम देखें तो टोटल 25 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप कर सकते हैं, और इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया बैचलर, मास्टर, पीएचडी प्रोग्राम्स हैं किंगडम ऑफ सऊदीया की मुख्तलिफ 25 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अगर हम यहाँ पे स्टाइफन की बात करें तो मंथली अलाउंस आपको 900 सऊदी रियाल मिलेगा अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं, और 850 सऊदी रियाल मिलेगा अगर आप ह्यूमनिटीज स्टूडेंट्स हैं। 3 मंथ फर्निशिंग अलाउंस मिलेगा आपको गिवन ऑन सऊदी अराइवल इन केस ए फॉर मेरिट स्कॉलरशिप्स के लिए। उसके बाद जो मेरिट पर्सन होंगे उसके बाद स्कॉलरशिप आपको फुल ट्यूशन फीस और दीगर एक्सपेंसेस भी प्रोवाइड करेगा। 7 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है इसमें अप्लाई करने के लिए। उसके बाद मज़ीद अगर हम देखें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जो जो चीज़ें मिलेंगी, तो मंथली अलाउंस 900 और साइंस के लिए 850 सऊदी रियाल। आपको ह्यूमनिटीज स्टूडेंट्स के लिए फ्री लॉजिंग मिलेगी, 3 मंथ का फर्निशिंग अलाउंस मिलेगा। मेरिट स्कॉलर्स के लिए रिटर्न एयर टिकट, फ्री मेडिकल फॉर द स्टूडेंट एंड हिज फैमिली अगर आप मेरिड हैं। उसके बाद 3 मंथ ग्रेजुएशन अलाउंस फॉर शिपमेंट ऑफ बुक्स। उसके बाद सब्सिडाइज मील एट द कैंपस। तो प्रोसीजर जो है आपने इस वेबसाइट पे पहले अप्लाई करना है। ईच यूनिवर्सिटी हैज़ इट्स ओन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एप्लीकेशन टाइम फ्रेम, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर यूनिवर्सिटी की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको आपने देख के उसके थ्रू भी अप्लाई करना है। उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज वगैरह का मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर आपको 25 यूनिवर्सिटीज़ शो हो रही हैं इसी पेज के ऊपर, तो मैं इसको थोड़ा आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। इन सभी की इसी तरह से मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिस्ट मौजूद है, आपने इसमें से अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे विज़िट करके आप उनके प्रोग्राम्स की कंडीशंस को देख के आपने वहाँ से देख लेना है, जो भी आपकी प्रोग्राम के मुताबिक है आपने उसके ऊपर अप्लाई कर लेना है। तो ये थी इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन डिटेल्स, उम्मीद है कि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगा। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि स्कॉलरशिप के मुतालिक जो दीगर वीडियोस हैं, HEC की अभी जो अंडरगोइंग स्कॉलरशिप्स हैं, बलोचिस्तान की है, पीफ की है, फाटा और बलोचिस्तान की है, पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फंड की है, तो इसकी वीडियोज़ भी इस चैनल के ऊपर मौजूद हैं, आप इनको देख सकते हैं। इन फ्यूचर जो भी स्कॉलरशिप आएगी उसकी वीडियो भी यहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी, आप तक पहुँचती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।